लैपटॉप्स, यू कैन सिट विद योर लैपटॉप्स बिकॉज टुडेज क्लास इज मोर ऑफ अ वर्कशॉप काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग. सो व्हाइल टप्पन टेल्स यू ऑल हाउ टू डू द थिंग्स, यू कैन ऑल्सो ट्राई हैंड्स ऑन इमीडिएटली एंड कैन क्लियर आउट योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी. दैट वुड बी अ मोर हेल्पफुल काइंड ऑफ थिंग फॉर यू पीपल, राइट टप्पन? Yes, yes, totally. Required for this course. Okay. So, आज के कोर्स के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, उसके लिए सिर्फ एक ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है, और दूसरा जो मैं वीडियो एडिटिंग में बताऊंगा देख लेना, फिर मैं बता दूंगा कि वो नहीं, मतलब मैं नहीं बताऊंगा बट आपको वो सॉफ्टवेयर में बता दूंगा और वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? सब आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ठीक है? ठीक है ज्योति, ठीक है, इट्स ओके. ओके, तो ज्योति और बाकी सब लोगों के लिए लास्ट क्लास का रिवीजन ये है. लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरीके से हमने ना सारी हमें देखिए टेक्स्ट कंटेंट मैं आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है? वो बेसिक इंग्लिश है, जैसे हम पैराग्राफ्स लिखा करते थे उसी तरीके से टेक्स्ट हमें लिखना होता है. मैंने ये बताया था अगर आप वो टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है आप वेबसाइट पे डालने से पहले, ठीक है ना? तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग बता रहा हूँ, राइट? मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा, राइट? तो आपको वो, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको आता है वो सब, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंटरनेट पे वो कैसे करना है, ठीक है? तो उसके ऊपर मैंने बताया था कि आपको हेडिंग्स कैसे लिखनी होती है, आपको टाइटल्स कैसे लिखते होते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना होता है, और बेसिकली बेसिकली हमने ऑन पेज एसईओ पे बात करी थी. कंटेंट क्रिएशन मैंने उसका नाम इसलिए दिया था क्योंकि आज का पार्ट जो है वो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन है. हम सीखेंगे, मैं आज जो आप उस दिन एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि मेरे को लगा कि आप कंटेंट बताना सिखाएंगे, टेक्स्ट में मेरे को नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है. आज मेरे को लगता है कि इमेजेस के अंदर एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे बताना है आज हम उस पर बात करेंगे. प्लस मैं आपको वीडियो एडिटिंग भी बताऊंगा, बेसिक बेसिक, ठीक है? पूरा आपके सामने एक क्लिप डाउनलोड करेंगे, क्लिप को कट करेंगे, क्लिप के साथ मतलब पूरा मैं आपको बताऊंगा और वो सब करेंगे अभी, बिल्कुल, ठीक है ना? तो आज हम ये सब चीजें करने वाले हैं. आज हम इमेजेस बनाने वाले हैं और वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है? इमेजेस एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग हम किस तरीके से तैयार करें, ठीक है? अभी किसी का क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ लीजिए मेरे से, और उसके अगर मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम क्लास के अंदर आगे चलते हैं. अगर प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन है तो मैं मतलब आज की क्लास से पहले वो कंप्लीट करना चाहता हूँ, सो दैट आप मेरे से वो क्वेश्चन दोबारा ना पूछे. मतलब पूछ सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए अभी पूछिए, आपके पास एक मिनट है, क्वेश्चन वगैरह चैट में या कहीं पर भी आप लिख दीजिए. हाउ टू मैनेज इमेज साइज विदाउट कंप्रेसिंग ऑन द इमेज रेजोल्यूशन. हाँ, तो आपने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया. हम इमेज साइज को कंप्रेस करते हैं और इमेज रेजोल्यूशन को सेम रखते हैं. हाँ, मतलब ठीक पीछे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया, ठीक है? तो उसके लिए मैंने आपको, आप अगर गूगल पे लिखेंगे सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट, सबसे पहले अगर आपको कुछ ना समझ पाए सबसे पहले आपको करना है गूगल, ठीक है? तो आप गूगल पे लिखेंगे कि इमेज कंप्रेशन. अगर आपको फिर भी कोई अच्छा टूल नहीं मिलता तो मैंने आपको एक रिकमेंड किया था tinypng.com, उस पर आप जाएंगे, आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं. बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि 5 MB से ऊपर इमेजेस नहीं करता फ्री वर्जन में, ठीक है? तो 5 MB से कम है तो आप वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे टूल्स हैं. आपको एक गूगल के अंदर ऑलमोस्ट 100 ऑफ टूल्स मिल जाएंगे इमेज कंप्रेशन, ठीक है? तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं. तपन, आई वुड लाइक टू से कि बिफोर यू स्टार्ट विद द क्लासेस, आई थिंक मेनी ऑफ देम हैव कंफ्यूजन, सो यू कैन गिव द शॉर्ट रिव्यू ऑफ द प्रीवियस सेशंस एंड देन स्टार्ट विद टुडेस क्लास. आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट. दिव्या, फिर मैंने वैसे दे दिया थोड़ा सा किस पे बात हुई थी, लेकिन अगर मैं ऑन पेज एसईओ के ऊपर फिर से टॉपिक्स पे बात करने लग गया तो बहुत हमारा टाइम खराब हो जाएगा, और जो लोग सीरियसली आगे पढ़ने आए हैं मेरे, क्योंकि व्हाट वी कैन डू इज दोज हु हैव मिस्ड द क्लासेस एंड वांट टू एक्चुअली गेट इट,
सो वी कैन प्लान आउट वन रैंडम सेशन एनी डे हाँ व्हेनेवर दे आर फ्री वी कैन कंटिन्यू दोस टॉपिक्स इन दैट टाइम हाउ वुड इट हाँ आई थिंक दैट दैट वुड बी ओके हाँ ये एंड ठीक रहेगा आल्सो गाइस यू कैन लेट अस नो दैट वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट द क्लासेस ऑन ट्यूसडे वेंसडे एंड फ्राइडे instead of sorry Monday Wednesday and Friday instead of keeping it Tuesday Thursday and Saturday so let me know how many of you are comfortable with these days or you wanted to continue as it is going on ओके ठीक है सो मैं आज अभी प्रीवियस का इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पहली बात उसमें बहुत टाइम लगेगा और दूसरी बात मेरे को आज इमेज और वीडियो एडिटिंग दोनों बताना है तो आज की क्लास में भी बहुत टाइम लगेगा तो इसलिए मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता तो अब हम इस पे बात करते हैं और अगर हम बीच में एक सेशन रख लेंगे जिस दिन हम सारे क्वेश्चन आंसर ही लेंगे ठीक है किसी दिन ऐसा रख लेंगे और उस दिन आप मेरे से पूछ सकते हो ठीक है ना रुक जाओ लेट मी शेयर माई स्क्रीन सब कुछ मेरी स्क्रीन दिखती है चैट पे यस लिख सकते हो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है कुछ यस नो कुछ कुछ लिख दो मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है ओके 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 लेट मी शेयर इट अगेन ठीक है इज इट ओके इज इट विजिबल नाउ कोई एक भी यस लिख देना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ओके सबसे पहले हमें क्या करना है हमें लिखना है canva.com ठीक है ठीक है जब हम canva.com लिखेंगे हम canva.com की साइट पे आएंगे अब हम इमेजेस के लिए canva.com क्यों यूज कर रहे हैं उस पर ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं ओके सो canva.com हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि canva.com सबसे इजी सबसे ज्यादा इजी टूल है आपको कोई भी इमेजेस बनाने के लिए राइट क्योंकि इसके अंदर आपको प्री मेड डिजाइन मिलते हैं सबसे पहली बात तो प्री मेड डिजाइन का मतलब है कि आप क्रिएटर डिजाइन पे क्लिक कर सकते हो और उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी या कुछ भी जो भी आपका डायमेंशन होते हैं आपको किसी भी उसके अंदर डायमेंशन जो है आपको नहीं करना है आपको ऑटोमेटिक इधर डायमेंशन मिलते हैं अच्छा अब आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए फेसबुक का करना है आपको सिर्फ इधर फेसबुक लिखना है और फेसबुक से रिलेटेड जितने भी पोस्ट के डायमेंशन जितने भी स्टोरीज के डायमेंशन एड्स के डायमेंशन शॉप कवर्स के डायमेंशन कुछ भी आपको पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं उसके ठीक है तो मान लेते हैं आज हम इंस्टाग्राम के ऊपर काम करते हैं ठीक है तो हम इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जाएंगे और एक ये एम्प्टी जो आपका इंस्टाग्राम पोस्ट का एक तो ब्लैंक पेज मिल जाएगा आपको ठीक है प्लस आपको मिल जाएंगे इधर टेम्पलेट्स कि आपको इनमें से कुछ बनाना हो तो
और इतना इजी है कि आपको सिर्फ सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपको कुछ भी नहीं करना इन इमेजेस को बनाने में, जो ये हाई क्वालिटी इमेजेस दिख रही हैं, मतलब ये बहुत अच्छी दिख रही है, ऐसी बनाने में फोटोशॉप में बहुत टाइम लग जाता है, तो ऐसी इमेजेस बनाने में आप मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इमेजेस चेंज करनी, कुछ भी नहीं करना लिटरली। मान लेते हैं कि हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है, और उस ब्लैंक पेज के अंदर कुछ नहीं, एक व्हाइट पेज आएगा, ठीक है, और उसके बाद एक सेकंड, सॉरी मेरा नेट स्लो चल रहा है, ठीक है, उसके बाद एक व्हाइट पेज आएगा, उसके बाद ये टेम्पलेट दिखाएगा कि आपको ऐसे कुछ चाहिए क्या। अगर मान लेते हैं मेरे को ये टेम्पलेट पसंद आता है, तो मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूंगा और ये टेम्पलेट इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इस टेम्पलेट के अंदर मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, जैसे कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम या अर्बन स्केल, कुछ भी है ना, और इधर मैं लोगो चेंज, मैं हर एक एलिमेंट विदाउट फोटोशॉप की मेहनत के, कि मेरे को पीछे का कुछ एडिट करना पड़ रहा है, आगे का कुछ एडिट करना पड़ रहा है, बिना किसी भी मेहनत के मैं ये सब चीजें इसके ऊपर, इस टूल के ऊपर कर सकता हूँ। इसके पास खुद की कुछ फोटोज हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम ये फोटो डालना चाहें तो हम ये फोटोज डाल सकते हैं और काम कर सकते हैं। अगर हमें कोई फोटो अपलोड करनी है तो हम मोर पे जाके, सॉरी ये रहा अपलोड, ठीक है, मोर में भी ऑप्शन होगा, नहीं है, इधर ही है, इधर आप अपलोड पे जाके आप कुछ भी अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, एड इमेजेस पे क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हुआ बेसिक टूल का, कि बेसिक टूल कैसे वर्क करता है। अब हमें अगर इस पे बहुत रूटीनली काम करना है, तो हम इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं जिन पे हम काम करें। पहले तो हम इस सबको डिलीट मारते, और अच्छा किसी भी एलिमेंट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके उसके कलर्स दिखाएगा, तो आप उस कलर्स को क्लिक करके आप व्हाइट पे, मतलब कोई भी कलर चूज कर सकते हो। मान लेते हैं आपको कोई और न्यू कलर चाहिए, तो आप न्यू कलर पे क्लिक करके उस कलर को इधर ला सकते हो। प्लस अगर आपको कोई कलर अच्छा लगता है, तो आप उससे हेक्सा डेसिमल वैल्यू डाल के आप इधर भी चेंज कर सकते हो, हेक्स वैल्यू होती है उसकी, ठीक है, और ये हो गया आपका कलर, ठीक है, राइट। अब हमें डालना है, मान लेते हैं टेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे कि हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हेडिंग को क्लिक करके इधर ले आएंगे, देख रहे हो कितना सिंपल है। मान लेते हैं इधर लिखते हैं हम अर्बन स्केल, ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं येलो कलर में कर देते हैं, ठीक है, या इसको हम कर देते हैं बैकग्राउंड को येलो कलर के अंदर, और इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं व्हाइट कलर के अंदर, ठीक है, और इस एलिमेंट को मैं ड्रैग कहीं करके भी कहीं पर भी रख सकता हूं, मान लेते हैं इसको कहीं किसी भी जगह पे रख देते हैं। अच्छा, अब मेरे को इसका फॉन्ट बदलना है, ठीक है, तो फॉन्ट के लिए सिंपल, जैसे हम वर्ड में काम करते थे उसी तरीके से ये सारे फॉन्ट है। ये मैंने जो फॉन्ट आपको बताया था, जो मैं खुद बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो ये इतना ऊपर आ रहा है, तो हम अर्बन स्केल को इस फॉन्ट के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं हमें और भी कुछ चीजें लानी है, मान लेते हैं हमें कोई एक इमेज ऐड करनी है, राइट, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपली हम एलिमेंट्स पे जाएंगे और एलिमेंट्स पे लिखेंगे सर्कल इमेज, ठीक है, फ्रेम लिखते हैं, ठीक है, हम सिंपली इसको उठाएंगे इधर ड्रॉप कर देंगे, तो अब हम इसके ऊपर कोई भी इमेज डाल सकते हैं। ऐसे अगर आपको किसी का फ्रेम भी बनाना हो, मैं आपको एक दिखा देता हूं, ठीक है, अब इसके ऊपर मेरे को एक सर्कल और ऐड करना है, जिससे ये हाईलाइट हो, तो मैं इसको यूज कर लेता हूं, ठीक है, और इसको भी अगर हमें कलर चेंज करना है, अगर व्हाइट में करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें अब मैं आपको सिखाऊंगा शेप्स कैसे डालने हैं इसके अंदर, ठीक है,
बहुत इजी टूल है, बहुत इजी टूल है, मतलब अगर इतना इजी टूल है, बहुत इजी। देखो आप, हम बोल्ड कर सकते हैं इसको, इटैलिक कर सकते हैं हम इसको, लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, जैसे हम आज तक वर्ड में काम करते हैं बिल्कुल वैसा टूल, ठीक है। हम इसे बुलेट पॉइंट्स में लेकर आ सकते हैं, इसके पैराग्राफ की स्पेस लाइंस को कम कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं जैसे हम उसके अंदर डाला करते थे, वर्ड के अंदर डाला करते थे, सेम इसी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसको किया सेंटर में, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे को कोई शेप डालनी है इसके पीछे, तो मैं कैसे डालूंगा, हम दोबारा से जाएंगे एलिमेंट्स पे, एलिमेंट्स यही है, ठीक है। तो अब मैं ढूंढूंगा स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर मैंने सेलेक्ट किया इसको। अब मेरे को क्या चाहिए, ये जो अर्बन स्केल है ना, वो स्क्वायर के ऊपर है। अच्छा, वो पहले से ही ऊपर आ रहा है। अगर मान लेते हैं ये ऊपर आ रहा होता तो इसे कैसे करेंगे, किसी भी एलिमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए ना, इधर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है पोजीशन। अगर मेरे को वो चाहिए होता ऊपर, तो मैं इधर उसको सेलेक्ट करके ऊपर फॉरवर्ड कर देता तो वो ऊपर आ जाता, और उस पोजीशन को अगर क्लिक करके बैकवर्ड कर देता तो वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं कि हमें इधर कुछ टेक्स्ट डालना है, तो हम दोबारा से इस टेक्स्ट पे जाएंगे और हम इनमें से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो भी प्रो है ना, वो उन पे ऐसा साइन बना हुआ है क्राउन का, और जो भी प्रो नहीं है उन पे सिंपली लिखा हुआ है। तो अगर हम ऐसा कुछ यूज करना चाहें तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम कुछ भी लिख देते हैं, रैंडम डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं। अब मान लेते हैं ये जो छोटा सा है ना, हमें ये डिलीट करना है, ठीक है। लोगों को बेसिक बेसिक तो समझ आ जाता है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ, तो वो सब भी देख लीजिएगा। इधर अनग्रुप कर सकते हैं हम इनको, अनग्रुप करने के बाद इसको डिलीट मार सकते हैं, और ये अब आप ये कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इतना सिंपल था ऐसे बनाना, अभी तो मैंने बिल्कुल रॉ बनाया है, बिल्कुल इजिएस्ट ऑफ द इजिएस्ट जो मैं सोच सकता था, सारे एलिमेंट्स को यूज करते हुए मैंने वो बनाया है। आप इससे भी बहुत बेटर बना सकते हैं, और इससे क्या, इससे तो बहुत ही बेटर बनाइएगा, और भी तरीके, और भी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ये है। आप फोटोशॉप पे यही काम करते हैं, आपको सीरियसली बहुत टाइम लग जाता है, उसके अंदर लॉक्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात, आपकी सारी इमेजेस हमेशा इस पे सेव रहेंगी, हमेशा, फ्री सर्वर है, फ्री, आपको कुछ नहीं करना, आप कभी भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी, फोन से भी कर सकते हैं और मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फायदा, और तीसरा फायदा ये कि ये बहुत बहुत ज्यादा इजी है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी को यूज करती है, ठीक है। तो एक बार इसको पे जाइएगा और पूरा चेक कीजिएगा कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम एक चीज और ऐड करते हैं, ठीक है। इस पे अब हम कोई, अगर हमें चाहिए कि हम कोई इंस्टाग्राम या ट्विटर या किसी भी चीज का आ, आ, लोगो लगाना चाहते हैं, तो हम दोबारा से एलिमेंट पे जाके हम अगर लिख देंगे इधर इंस्टाग्राम, और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको छोटा करेंगे, और इस पे दोबारा से टेक्स्ट पे जाके सब हेडिंग यूज करके हम इस पे लिख देंगे एट द रेट अर्बन स्केल 360। ठीक है,
अब इसके साथ आप और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट चीजें ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही आपको मोस्ट ऑफ द टेम्पलेट्स दिखते होंगे आपको। और इसके अंदर हम, अच्छा ये तो स्क्वायर जो है वो वैसे स्क्वायर है, अच्छा एक स्क्वायर होते हैं जो एम्प्टी होते हैं अंदर से, वो यूज होते हैं हमारी ग्रिड के लिए। वो मेरे को पहले यूज नहीं कर, मेरे को नहीं पता था वो कैसे यूज करूं, और बहुत इजी था वो, बस कुछ नहीं करना है, स्क्वायर के अंदर ही आता है ये, जिसके अंदर मिडल में कुछ नहीं होता, बट उसकी ग्रिड होती है सिर्फ, उसका फ्रेम होता है सिर्फ, जो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज बना सकते हैं इस पे, इजिएस्ट ऑफ द इजिएस्ट, बहुत बहुत इजी है इस पे करना। अगर आपको ये सब स्क्रैच से बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, तो इनके पास बहुत बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर हैं। ठीक है, तो आप उनमें से कोई सा भी एक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कुछ भी एडिट आप इसके अंदर कर सकते हैं। हर एक चीज आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, ये देखिए हर एक एलिमेंट आप चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा था कि आप किस तरीके से इमेजेस तैयार कर, ठीक है, क्योंकि लोगों को टेक्स्ट समझ आ गया, तो मैं बताना चाहता था इमेजेस कैसे हो। अच्छा, इस तरीके से आप इमेजेस करेंगे। अब हम बहुत चलते हैं कि आप वीडियो कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो मैं आपको टूल बता रहा हूँ वो है प्रीमियर प्रो, प्रीमियर अडोबी प्रीमियर प्रो इसका नाम है। ठीक है, ये हाई एंड टूल है, कि मतलब इस पे सारे यूट्यूबर, सारे नहीं मतलब कुछ लोग एफसीपी यूज करते हैं, कुछ लोग प्रीमियर प्रो, एफसीपी है फाइनल कट प्रो, फाइनल कट प्रो मैक के लिए है सिर्फ अवेलेबल, और जो आपका अडोबी का प्रीमियर प्रो है वो विंडोज और मैक दोनों के लिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यूट्यूबर्स एफसीपी या प्रीमियर प्रो यूज करते हैं, और उनपे सारा काम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी फिल्म्स भी इस पे एडिट होती है, इवन नेटफ्लिक्स के भी काफी शोज प्रीमियर प्रो पे एडिट हुआ है। ठीक है, और इसमें बेसिक एडिट भी हो जाती है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप बेसिक एडिट कैसे करोगे, और उसके बाद आप उस पे हाई एंड पे जा सकते हो, मतलब स्किल्स आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है ना, तो एक मिनट में आपको, अच्छा इस कैनवा में कोई क्वेश्चन है किसी को, तो चैट पे क्वेश्चन पे लिख दे, मैं स्विच करने से पहले अगर कोई मैं बताना चाहूँ तो बता दूँ, कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है। हाँ क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने पूछा है कि हम किसी टेक्स्ट की वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं क्या ब्राइटनेस, तो आप कर सकते हो, ये रहा उसका ऑप्शन, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी किसी भी, मतलब मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ, अगर मान लो कि मेरे को टेक्स्ट का करना है तो सेम ऑप्शंस है। ठीक है, किसी की भी कम या आप ज्यादा कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उस पे बहुत मिनिमम GIFs आप यूज कर सकते हो, इसके अंदर इवन ऑडियोज डाल सकते हो और वीडियोज भी डाल सकते हो। एक्चुअली क्या था कि मैं प्रीमियर प्रो के बाद वापस कैनवा पे आने वाला था, क्योंकि आप इस पे, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और कि कैनवा पे आप छोटी छोटी सी वीडियोज डाल के इसे वैसे भी बना सकते हो। देखो अगर मैं इसको, अब आप इसके अंदर ये वीडियो चलती रहेगी, और इसके नीचे टैक्स लगा सकते हो, और इसको अगर चाहो तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट तैयार, मतलब इसके अंदर ऊपर नीचे कोई भी टैक्स लगा के बीच में आप अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, सेम अपलोड सेक्शन में आके इधर आके, और आप इधर से वीडियो, मतलब ये पूरी आपकी वीडियो रन होती रहेगी और नीचे टेक्स्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपके है, आप इसके अंदर इफेक्ट्स डाल सकते हो, आप इसके अंदर अंडरलाइन कर सकते हो किसी भी चीज को, ऊपर नीचे कर सकते, मतलब छोटा या बड़ा अपर केस कर सकते हो, और ये सब चीजें हैं, ये सारे ऑप्शन एक बार देखिएगा आपको मतलब समझ में आएगा, और मतलब आप इसके साथ जब आप करेंगे तो, अच्छा आप प्ले करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ आपकी वीडियो बन के आएगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो उसको जरूर एक बार ट्राई किए करिएगा, और इसको आप एज अ बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं, तो आप अगर ये करना चाहें,
कि आप ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और पीछे सिर्फ वीडियो चलती रहती है, आपने ऐसे इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी होंगी, तो अगर आप वो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी भी ट्रांसपेरेंसी कम कर। अच्छा, ओके, इस तरीके से कुछ आप बहुत आसानी से इस तरीके की वीडियोस बना सकते हैं। ये है बहुत इजी तरीके से वीडियोस बनाना। ठीक है, अब उसके बाद मैं प्रीमियर प्रो भी बताने वाला हूँ, तो आप ऐसे भी वीडियोस बना सकते हैं और भी उसके अंदर एनिमेशन कर सकते हैं कि टेक्स्ट इस साइड से आए कि किस तरीके, मतलब और भी इसके अंदर काफी चीजें हैं, जैसे इस तरीके से अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह चाहिए तो ना, सॉरी फेड इन होकर आए, ये टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस आप आराम से इसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये फ्री है, क्योंकि मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं देना चाहता जो फ्री ना हो, कहीं पर अवेलेबल ना हो, फ्री। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जब नेक्स्ट हम जा रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो चेक कर लीजिएगा। वो ट्रायल्स मिलते हैं प्रीमियर प्रो के, ठीक है, फ्री, उस पर डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, और बाकी और इंटरनेट पे देख लीजिएगा किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट्स वगैरह भी होते हैं। तो प्रीमियर प्रो पे हम बात करेंगे, उससे पहले आप इसको इस तरीके से भी वीडियोस को बना सकते हैं, सारे डिमेंशन सेट्स हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको आना है और वीडियो डालनी है और उस पर काम करना है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपके ब्लॉग पे, आपके सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी सब चीजों पे वर्क कर जाएगा। और अगर आपको बहुत YouTube बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनानी है, ये तो छोटी वीडियोस पे काम करेगा, राइट। अगर आपको बड़ी वीडियोस बनानी है और उस पे कलर करेक्शन और बहुत आगे की चीजें करनी है, तो उसके लिए मैं आपको एक बेसिक टूल, मैं आपको एक टूल बता देता हूँ, उसका बेसिक बेसिक समझा देता हूँ, और उसमें भी आप कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ओके, सो आज हम किस किस पे बात करेंगे, ये मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे इंपोर्टिंग वीडियो क्लिप्स पे, सीक्वेंस क्रिएट में, ट्रिमिंग में, ट्रांजिशन के अंदर, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर, ऑडियो म्यूजिक के अंदर और रेंडर एक्सपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम, ये हमारा प्रीमियर प्रो का सेटअप, ठीक है, ये प्रीमियर प्रो, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके ओके ओके, फैज आपको सिंपली क्या करना है, उस वीडियो पे ले जाके उसे बैकवर्ड कर देना है, जिस तरीके से मैंने ऊपर पोजीशन के अंदर दिखाया था, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब सबको प्रीमियर प्रो दिख रहा होगा, मेरे को यस दे दीजिए चैट में। प्रीमियर प्रो दिख रहा है सबको, ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, ठीक है, प्रीमियर प्रो बहुत बहुत हैवी टूल है, पहली बात 2 GB का, 2 से 3 GB का, और ये एक्सपोर्ट भी बहुत हैवी फाइल करता है। लेकिन मैं आपको इसमें इसलिए बताना चाहता हूँ, मैंने फिल्मोरा, मैं आपको एक तो दो तीन लिखी है, आप नाम लिखिए, फिल्मोरा है, FCP है और सोनी वेगस प्रो है। ठीक है, प्रीमियर प्रो में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, जो टूल्स इसके अंदर है ना, अगर आप उन्हें समझ गए, आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप सारे के सारे आप यूज कर लो, सारे टूल्स यूज कर लो। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रीमियर प्रो बताना चाहता हूँ, ज्यादा मतलब इसको इंटरफेस को देख के डरिएगा मत, बहुत इजी है। और उसके बाद यूट्यूब ट्यूटोरियल देखेगा, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक काम करना है, ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी चीज को इम्पोर्ट करें वीडियो एडिटर के अंदर, राइट।
तो इसके अंदर आप अगर आप देखेंगे तो आप कंट्रोल आई दबाएं, ठीक है, या फिर आप जिस तरीके से मैंने इधर से डबल क्लिक किया, आप इधर क्लिक कर सकते हैं डबल क्लिक, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से भी आप किसी भी चीज को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी फाइल अपने उसके ऊपर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, अपने अपने मतलब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस फाइल्स को इस तरीके से अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकंड। ओके, यार मैंने अपनी तरफ से एक्टिव करी हुई है। हाँ, ऐसा हो सकता है इंपोर्ट, एक सेकंड मैं दोबारा से ना कट करके मैं तो दोबारा से ट्राई करता हूँ, ठीक है। इज इट विजिबल नाउ, इज इट विजिबल नाउ, जल्दी से मेरे को यस दो यार, मेरे को तो आगे करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, कर दो। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं कमांड आई यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मैक है, अगर आपके पास विंडोज है तो आप कंट्रोल आई यूज करेंगे, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ दी चीजें कमांड से कंट्रोल में चेंज हो जाती है विंडोज के अंदर, सब नहीं होती बट मोस्ट ऑफ दी चीजें हो जाती है। तो मैंने कमांड आई, अगर मैंने यार ये तो मेरा इनवाइट पेज क्यों खुल रहा है, कमांड आई मैंने दबाया, ओके लोड हो रहा है वो, ठीक है। मैंने जब कमांड आई दबाया और मैंने जब डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो ये एक फाइल है, देखो इस फाइल पे मैं क्लिक करूंगा, इसे इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है, कमांड आई। और अगर मेरे को और किसी तरीके से इंपोर्ट करना होता तो मैं इधर से क्लिक करता और इधर इंपोर्ट पे क्लिक कर देता, मैं इधर से भी इंपोर्ट कर सकता था बिल्कुल सिंपली, जिस तरीके से मैंने कमांड आई दबा के किया। अब मैंने सबसे पहले अपनी फाइल इंपोर्ट कर दी, अब मेरे ये देखो समझो क्या है, सॉरी ये सोर्स मॉनिटर, ठीक है, यह प्रोग्राम मॉनिटर, यह है टाइमलाइन जिस पे हम काम करेंगे, और ये है आपकी प्रोजेक्ट एरिया, ठीक है, इधर प्रोजेक्ट्स इफेक्ट्स बाकी सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, और बाकी की सारी चीजें जिस पे हमें काम करना है वो टाइमलाइन होती है, प्रोग्राम के अंदर वो चीजें दिखती हैं जो हम टाइमलाइन पे काम कर रहे होते हैं, और सोर्स वाले मॉनिटर पे हमें वो चीज दिखती है अगर हम इधर से कुछ चीज रन करना चाहें या इधर से भी कोई एडिट्स करना चाहें, इफेक्ट डालना चाहें, तो उस सोर्स मॉनिटर को चेंज करके सॉफ्टवेयर उधर कर देता है, ठीक है। अगर मैंने इधर डबल किया तो सबसे पहले सोर्स मॉनिटर पे आएगा, अगर मेरे को इधर कोई चीज चलानी है प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर कोई चीज चलानी है तो मेरे को उसको लिए उसे टाइमलाइन पे डालना पड़ेगा जहां हम एडिट करते हैं। तो सोर्स मॉनिटर में हमने देखा कि ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इसको उठाया और इधर ड्रॉप कर दिया, सिर्फ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, खुद ही एक सीक्वेंस तैयार हो गया, इसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। इस पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे या हम इसे एडिट करना चाहते हैं तो हम मॉडिफाई पे जाके इसको टाइम कोड को सीक्वेंस सेटिंग चेंज करके इसे एडिट कर सकते हैं। सीक्वेंस सेटिंग के अंदर जाके हम इस पे कर सकते हैं कस्टम, ये सारे प्रीसेट्स हैं जो आपके कैमरे के हिसाब से प्रीसेट्स होते हैं, आप उनके ऊपर जा सकते हैं। इस पे मत पढ़िए, मैं बताना भी नहीं चाहता, बहुत डीप है थोड़ा सा, जो बेसिक बेसिक है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और फॉर्मेट्स हैं और ये सब चीजें अभी इनको हम छोड़ देते हैं, हमने सिंपली सॉफ्टवेयर ने खुद एक सीक्वेंस बना दिया, हम सीक्वेंस पे आए, ये हमारा स्क्रॉलर होता है, हम इसको स्क्रॉल करके पूरी वीडियो के आसपास कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे पहले म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो सॉरी माफ कर दिया, ठीक है, मेरे को आवाज आ रही थी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें समझना है कि इसे कट कैसे करें, ठीक है। तो इसको कट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इधर लेकर आते हैं, मान लीजिए हमें इधर से कट करना है, तो हम क्या करेंगे कि
ये ब्लेड टूल दिख रहा है आपको, रेजर टूल, ये एफसीपी में ब्लेड टूल कहा जाता है, ठीक है। मैं एफसीपी पे ज्यादा एडिट करता हूँ तो मेरे वो याद है। तो रेजर टूल हम लेंगे, जहां पर भी हमें कट लगाना है हम उसके ऊपर लेकर जाएंगे, जिधर भी ये हमारा होगा, ये बार होगा उधर हम क्लिक करेंगे और उसको कट जब करेंगे तो उस बार से वो कट हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं हमें इधर करना है तो हम इस पे आएंगे, इधर कर देंगे। मान लेते हैं हमें, आपने एक बड़ी वीडियो बनाई जिसमें से हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, तो हम दोबारा से सेलेक्ट टूल पे जाते हैं, हमने दोनों को कट कर लिया, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जब हम डिलीट दबाएंगे तो ये इधर से बीच से गायब हो जाएगा। अब सिंपली हम इसको पकड़ेंगे और इधर ले आएंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल, बस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को कट कर सकते हो, ठीक है। अब हम जिस चीज पे बात करेंगे, हम बात करेंगे किस तरीके से किसी भी चीज के ऊपर टेक्स्ट लेकर आना, ठीक है। तो टेक्स्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इधर एक टूल दिखेगा वो टेक्स्ट टाइप टू, ठीक है, उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और इधर क्लिक कर देंगे अपने प्रोग्राम मॉनिटर पे। तो ऑटोमेटिकली इधर देखो एक इस तरीके से पिंक कलर की स्लैब बन के आ गए, जिस तरीके से हमारी वीडियो है, ठीक है। और उसके ऊपर हम जाएंगे और इस पे अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एन इंस्टेंस अर्बन। अब मान लेते हैं हमें इस अर्बन स्किल को मतलब यहां नहीं रखना है, ठीक है, हमें इसे एडिट करना है। तो इस पे हम जाएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, या फिर हम इधर नीचे जाके यार ये मैंने, ये मेरे को कोई प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। इसको हम ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मैं अभी आपको बता रहा। ये मैंने लेटेस्ट वर्जन डाल लिया है। ओके ठीक है। तो इस तरीके से अभी आप एडिट कर सकते हो। इस पे हम लेकर आएंगे टाइप टूल पे, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आप इसको टेक्स्ट को लिखोगे, आप इधर आप अपने सोर्स मॉनिटर पे आओगे और सोर्स मॉनिटर पे आप क्या कर सकते हो, मैं इसे सेलेक्ट टूल पे ले आता हूँ दोबारा से। अपने सोर्स मॉनिटर पे आपको सारे एडिटिंग के इसके इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इनके सबसे पहले आप अपने इनके टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। मान लेते हैं ये हम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको बड़ा भी कर सकते हो, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसे ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, तो इस तरीके से हम कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसे सेमी बोल्ड कर सकते हैं, हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं, साइज छोटा कर सकते हैं, हम सेम वही सारी चीजें कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको उसके अंदर बताया था, जो भी टेक्स्ट के साथ हो सकती है। अच्छा, स्ट्रोक कर सकते हैं, फिल में क्या कलर आएगा, स्ट्रोक्स में क्या कलर आएगा, मतलब एजिस में के अंदर क्या कलर आएगा, पोजिशन चेंज कर सकते हैं हम, उधर से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इधर से भी पोजिशन चेंज कर सकते हैं, स्केल छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ओपेसिटी जो कर सकते हैं हम इसके अंदर चेंज, की कितना ज्यादा दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हैं, एंकर पॉइंट वो जो सेंटर में होता है, अगर आप कहीं और चेंज कर दोगे तो उधर से वो रोटेट या फिर स्क्वी जो भी करेगा वो उधर से करेगा, मान लेते हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया बात, सबसे अच्छा आपको एक इफेक्ट दिखता हूँ जो आपने ज्यादातर देखा होगा। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ग्राफिक के अंदर आना है और उसके बाद इधर एक पोजीशन का लगाना है, ठीक है, इसे कहते हैं हम की फ्रेम, ठीक है। जब हम इधर की फ्रेम लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है, और इस की फ्रेम को
हम जब हमने इधर से स्टार्ट किया और हमने इधर से लेफ्ट में ले गए, राइट, और जब ये एंड हो रहा है तो हमने इसे क्या किया, दोबारा से ले आए, ठीक है। अब इतना छोटा सा हमने काम किया है, ठीक है, लेकिन देखो ये क्या होगा, अब आप इसके अंदर और चीजें कर सकते हो, आप की फ्रेम किस तरीके से लगा सकते हो, आप की फ्रेम लगा सकते हो कि आपको बड़ा करना है, मतलब वो छोटे से बड़ा होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग के अंदर किसी भी चीज के ऊपर जाना है, की फ्रेम पे क्लिक करना है, स्केल को बिल्कुल छोटा कर देना है। मैं आपको एक बार एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका हम की फ्रेम हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है, और इसके ऊपर हम अब स्केल वाला की फ्रेम लगाएंगे, इस पे हमने क्लिक किया, ठीक है, और हमें स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाना था तो हमें दोबारा से इसे डिलीट करना पड़ेगा और इधर से दोबारा से हमें की फ्रेम लगाना पड़ेगा। हमने की फ्रेम बिल्कुल, ये देखिए, हमने बिल्कुल ग्राफिक के स्टार्टिंग के अंदर लगाया, ठीक है, और उसके बाद इसे कर दिया हमने छोटा, ठीक है, जीरो। अब हम ग्राफिक के बिल्कुल एंड में आएंगे, जो हमारा टेक्स्ट है, और इधर आगे की फ्रेम के साथ हम इसे बढ़ा देंगे, तो अब जो आपने ज्यादातर इफेक्ट देखा होगा वो इफेक्ट बन जाएगा। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, ये टेक्स्ट की एक दो चीजें, इस तरीके से आप इमेजेस पे भी की फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप टेक्स्ट पे भी यूज कर सकते हैं, इमेजेस पे यूज कर सकते हैं, इमेजेस जो पॉपअप होती हैं, ठीक है, इमेजेस जो स्लाइड्स होती हैं, वो सारी चीजें आप उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, और उसके बाद ओपेसिटी वगैरह ये मैंने आपको बता, ठीक है, मान लेते हैं। अब आप ये देख रहे होगे, अब थोड़े से दोबारा से बेसिक पे चलते हैं, अब हमने समझ लिया इंपोर्ट कैसे करना है, वीडियो को कट कैसे करना है, ठीक है। और अच्छा, वीडियो को कट करने का एक ये तरीका भी है, किसी भी वीडियो क्लिप के अगर आप एंड में जाओगे और अगर आप उसे इधर खींच देते हो, अगर वो होगी, अगर आपने कट कर रखा होगा तो वो बढ़ जाएगी, अगर आप इधर कर देते हो तो वो छोटी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ऐसे भी आप कट कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका था, आपने टेक्स्ट लगा दिया, ठीक है, अब हम बात करेंगे किस तरीके से रेंडर करते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये, चलो रेंडर बेसिकली रेंडर नहीं बता रहा मैं, रेंडर अपने में एक वो है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर छोड़ो, रेंडर छोड़ो, रेंडर पे बात नहीं करेंगे हम, एक्सपोर्ट पे बात करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपने, हमने टेक्स्ट लगाना सीख लिया, अब हमें इमेज इंपोर्ट करनी है, तो सेम किस तरीके से होगा, कंट्रोल आई होगा, और कंट्रोल आई के बाद हम उसके ऊपर कोई भी, अगर मानना चाहे ये इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर एक इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको उसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर इसको भी आपको बड़ा छोटा या किस तरीके से भी करना है, या मान लेते हैं इसे 20 से ही बड़ा छोटा करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इधर से आपने इसको क्या किया कि मतलब मैं पोजीशन का की फ्रेम दिखा रहा हूँ, आप और किसी का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से कि ये, अच्छा मैंने स्टार्टिंग के अंदर नहीं लगाया, स्टार्टिंग के अंदर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका की फ्रेम जो है उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल, ठीक है, जहां से भी आप की फ्रेम लगाएंगे आप उसके अंदर वर्क कर सकते हैं, छोटे छोटे एनिमेशन है जिन पे आप काम कर सकते हैं, रोटेशन का भी लग जाता है और इस तरीके से लग जाता है। हमने आज बात करी इंपोर्टिंग पे, कटिंग पे, और इसके अंदर हमने बात करी किस तरीके से आप छोटे छोटे इफेक्ट्स बना सकते हो। अब हम चलते हैं एग्जैक्ट इफेक्ट्स के ऊपर, तो हम ऊपर जाएंगे, इफेक्ट पैनल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इफेक्ट पैनल खुल जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने ज्यादातर देखा होगा वो फेड इन फेड आउट वाले इफेक्ट होते हैं, कि धीरे धीरे सब बंद हो गया और धीरे धीरे सब खुल रहा है, तो उस वाले, उस तरीके के जैसे इफेक्ट हम किस तरीके से बनाएंगे, तो वो ये एक इफेक्ट पैनल होता है, इसके अंदर अगर हम लिख देंगे क्रॉस डिसॉल्व एक करके इफेक्ट है, वो आपको ये इफेक्ट पैनल पे जाना है, आपको सारे इफेक्ट चेक करने हैं, ठीक है ना, क्रॉस डिसॉल्व। अभी देखिए आप किस तरीके से ये ऐसे एकदम से हो रहा है, राइट, अगर हम इसके ऊपर क्रॉस डिसॉल्व डाल देते हैं, अब कुछ नहीं करना, इधर से उठाना है और इधर ड्रॉप कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, एज सिंपल एज दैट, सेम इसके ऊपर भी कर देना है। अब देखिए, जो पहले हमें लग रहा था कि यार एकदम से क्यों हो रहा है, वो ही चेंज हो गया, अब इसके बिना देखते हैं तो एकदम से कोई सीक्वेंस आ रहा था, क्रॉस डिसॉल्व ने उसे एक के ऊपर दूसरे के ऊपर लैप कर दिया, तो वो थोड़ा सा बेटर लगे, ठीक
अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से आप इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं इसके अंदर, बहुत बहुत सारे इफेक्ट हैं। मैंने क्रॉस डिसॉल्व दिखाया है, फेड इन फेड आउट्स होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फेड अच्छा, ये ऑडियो का फेड आउट है, ओके। आउट ठीक है, ये वाला यूज कर दो ठीक है। देखिए ये इफेक्ट जो है वो पूरे पे लगा है, जहां की ट्रांजिशंस जो होते हैं वो सब पे नहीं लगते हैं, लेकिन जो इफेक्ट होता है वो पूरे पे लगता है। अब देखो ये उस तरीके से इफेक्ट अब जो है एक्टिव हो, ठीक है, पहले इस तरीके से था, अब उसके अंदर सुरिल इफेक्ट आ गए हैं, वो बहुत ज्यादा स्मूद हो गया है, कहीं जर्क लग रहे होंगे तो वो ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर इफेक्ट्स और ट्रांजिशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एड ऑडियो एडिट करनी है, तो आपके लिए ऑडियो भी इधर है, अभी मैंने इसे म्यूट पे कर रखा है, तो आप इसे ठीक भी कर सकते हो, ठीक है। ऑडियो को आपको ऊपर नीचे करना है, या फिर आपको कहीं ऑडियो डिलीट करनी है, तो आप वो भी इधर से ऑडियो के अंदर डिलीट कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से इस मॉनिटर पे आएंगे हम और इसको अनम्यूट करेंगे। ऑडियो गेन के अंदर जाएंगे और चैनल्स को 0 पे अगर कर देंगे, ओके। एक्चुअली मैं FCP पे करता हूँ, आज मैंने आप लोगों के लिए डाला तो थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हो रही है, और मैंने बिल्कुल न्यूएस्ट वर्जन डाल दिया तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसके अंदर। ऑडियो गेन को अगर हम कम कर देंगे तो ये देखिए, पहले आप वेव देख सकते थे कि बड़ा हुआ था, अब वो वेव कम हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑडियो को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, न्यू जो फॉर्मूला है वो आप देखिएगा, इसके अंदर न्यू न्यू टेम्पलेट्स आ गए हैं, उसको आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और ये ग्राफिक्स ऐड कर देगा उसी के अंदर, ठीक है। उसके अंदर आप नेम ऐड कर सकते हैं, इसी के अंदर आप नेम ऐड कर सकते हैं, तो वो देखिएगा इसके अंदर किस तरीके से आप इन सब में जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से नेम बन के आएगा, ठीक है। इंसर्ट नेम करना हो तो इसके अंदर अगर आपने क्लिक किया तो टेक्स्ट फाइल खुल जाएगी इसके अंदर, टेक्स्ट फाइल खुल गई है तो अब इसके अंदर हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कलर्स पे, कलर अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है तो, राइट। तो अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है तो आप किसी भी फोटो पे जाके आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, या वीडियो पे जाके कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको कलर नहीं पसंद आ रहे इसके, तो आप इसको या तो प्री सेट टेम्पलेट्स पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, प्री सेट टेम्पलेट्स पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इनके कलर्स भी और चेंज हम कर सकते हैं, शेड रूटीन चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट चेंज कर सकते हैं, इन्हें शार्पन कर सकते हैं या ब्लर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इनकी इस जो फिल्टर की इस कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, तो इन सब चीजों पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक बेसिक ये था, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप फाइल पे जाएंगे, ठीक है, और इधर जाके एक्सपोर्ट पे मीडिया पे क्लिक कर देंगे, या फिर आप कमांड एम या कंट्रोल एम जो है वो यूज करेंगे, आप इस टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल कमांड एम, तो ये पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। जब ये पॉपअप होगा तो उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कहाँ एक्सपोर्ट करना है, जब आप वो डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे छोटी छोटी चीजें, मैं वीडियो एडिटर नहीं हूँ, मैं ग्राफिक्स के लिए भी नहीं हूँ, लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटर जब आपको किसी को काम देना होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा सा काम आना चाहिए, आपको थोड़ी थोड़ी सी एडिटिंग भी आनी चाहिए, या थोड़ा अपने लिए, तो एटलीस्ट आप अपने लिए एडिट कर पाओ उतना काम आपको आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी क्लास तैयार करी थी, जिसके अंदर आप ये दोनों चीजें खुद ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम अर्बन स्किल पे वीडियो एडिटर और इमेज
के लिए आपको एक अच्छा सा और एक सेशन करा देंगे अगर आपको बहुत डीपली समझना है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इनफ है, अगर मैं 2-3 घंटे इस सॉफ्टवेयर पर दूंगा तो मैं इसके बाद सीख लूंगा, तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। यही बेसिक था, सिंपल। आप इसके ऊपर, मेरे को इतना आता है और इससे मैं बेसिक जो है वो कर लेता हूँ, इजीली कर लेता हूँ, बहुत इजीली कर लेता हूँ। इस पे पूरी एडिटिंग वगैरह ये सब चीजें कर लेता हूँ। मैं काफी टाइम से FCP यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैक के अंदर FCP थोड़ा सा ज्यादा बेटर करता है प्रीमियर से। प्रीमियर जो है वो थोड़ा सा लोड बढ़ाता है FCP के ऊपर, वो मैक के ऊपर। अगर आपके पास मैक है तो आप FCP करिए, बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के अंदर। थोड़े बहुत थोड़ी चीजें अंतर हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज हमारी क्लास वीडियो एडिटिंग और इमेज एडिटिंग के ऊपर। आप इन दोनों से किस तरीके से इजीएस्ट तरीके से इमेज बना सकते हो या वीडियो बना सकते हो। आप कैनवा भी यूज कर सकते हो वीडियो के लिए और प्रीमियर प्रो भी यूज कर सकते हो। बड़ी भी अगर आपको वीडियोस बनानी है, कैनवा इमेजेस के लिए आपको बनाना ही यूज कर लो। मतलब सबसे पहली बात फ्री है, दूसरी बात एक अच्छा स्टोरेज सिस्टम है, तीसरी बात कि बहुत इजी है। मतलब कैनवा के इतने फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो अब आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। मेरे को चैट पे बता दीजिए किस तरीके से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो। किसी के कोई भी क्वेश्चन है कंटेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, या कुछ बेसिक ना समझ आया हो, या फिर कैनवा पे कैसे करना है आपको, सिर्फ एक ईमेल आईडी बनानी है कुछ भी रिलेटेड। अगर आपको कैनवा पे कैसे कैसे काम करना है या प्रीमियर प्रो पे कैसे काम करना है, या आपके प्रीवियस किसी क्लास से, अगर आज हमारे पास टाइम बच गया, मेरे को लग रहा था इसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा इस कम्पेयर टू कम टाइम लगा है, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्रीमियर प्रो का ना एक स्मॉल वर्जन है जो iOS के लिए है सिर्फ। अगर आपके पास एप्पल फोन है तो उसके लिए है शायद, उसमें भी आप ऑलमोस्ट सारी चीजें कर सकते हो आप बेसिक एडिटिंग के लिए। लेकिन अगर आपके पास iOS डिवाइस नहीं है, फोन है, तो फोन के अंदर भी काइन मास्टर शायद एक ऐप है जिसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। और भी काफी ऐप्स होंगी, आपको सर्च करना पड़ेगा, और उसके अंदर आप मोबाइल ऐप्स यूज कर सकते हो जिसके अंदर आप वीडियो एडिट कर सकते हो। और किसी के कोई क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लास से भी चलेगा, किसी भी क्लास से चलेगा। आज हमारे पास बहुत टाइम है सर, प्रीमियम की फी है क्या यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए? वैसे देखो देखो समझो, ठीक है, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, समझो कि प्रीमियर प्रो जो है वो पेड टूल है, ठीक है, उसके फ्री ट्रायल्स मिलते हैं, ठीक है। और देखो यूट्यूब पे किस तरीके से आप मतलब इसे बाय कर सकते हो या इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई मेरे से बात करना चाहता है, आज हमारे पास टाइम बच गया तो आज हम बात भी कर लेते हैं, ठीक है। कोई किसी कोई बात करना चाहता है, प्लीज आई मिस बैक क्लास सो प्लीज रिकॉल। ओके, आज हम बात कर लेते हैं, मैं पूरी बैक क्लास का आराम से 20-25 मिनट लेके अभी समझा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, और किसी के कोई क्वेश्चन है तो कोई हैंड रेस करना चाहे, कोई बात करना चाहे अभी कर सकता है, मैं अलाउ कर दूंगा परमिशन। कैनवा फ्री पे सब हो जाता है यार, कैनवा प्रो मत लो। कैनवा प्रो पे जो होता है उसके लिए बाहर की फ्री वेबसाइट्स हैं। जैसे अगर आपको कैनवा प्रो में क्या मिलेगा, आपको फ्री स्टॉक इमेजेस मिलेंगी। आप बाहर से गूगल से या कहीं से भी फ्री स्टॉक में इमेजेस डाउनलोड कर लो, वो यूज कर लो, आपको फ्री वो मिलेंगे, PNG मिलेंगे। वो बाहर से PNG मिल जाते हैं, उसे डाउनलोड करके अपलोड कर दो, सिंपल। प्रो लेने की जरूरत मतलब नहीं जरूरत पड़ी मेरे को, नहीं है जरूरत, बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल रिकमेंड, मतलब अगर आप करना चाहते हो तो उसके 2-3 अलग कारण है। वो ये कारण है कि आप हाई क्वालिटी में इमेज डाउनलोड कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और ये सब चीजें कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मत लेना क्योंकि आपको कुछ स्टॉक इमेजेस फ्री मिलेंगी या कुछ और फ्री मिलेगा, ठीक है। कितनी फीस है? शायद 1700 रुपये पर मंथ। आपको गूगल गूगल पे जाके चेक करना पड़ेगा, मैंने जब लास्ट देखा था वो दिया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन तो मैं दोबारा पुरानी क्लास पे चलूंगा अगर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो।
अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो आप हैंड रेस कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब हैंड रेस कर सकते हो आप, और हम वो कर लेंगे, बात भी कर सकते हैं अगर किसी को भी बात करनी है। ठीक है, ओके। सो Just a second, Tapan. Before you start with the previous class, I just wanted to say to all of them, those who have not joined the Telegram group, you can please join the Telegram group. I'll share the link in the chat section because I'll be updating everything about the next class only in the Telegram group. So make sure that you join it. And any other questions, please type it in the Q&A section. Tapan will continue with the previous session, revision of the previous session. So till then, if you come across any question, you can type it in the Q&A section. You may go ahead, Tapan. ओके ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में के अंदर क्या बातें करी थी। ठीक है, मेरे को अभी पीपीटी उसकी नहीं मिल रही है, तो हम ऐसे ही चल रहे हैं, नहीं तो मैं अभी पीपीटी स्टार्ट कर देता। ठीक है, तो ओके ठीक है, नहीं मिल रही। ओके, तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि आपको अपने परमालिंक्स ठीक करने हैं। परमालिंक्स क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबको स्क्रीन दिखती है मेरी? Seema is raising hand. You can just allow her to talk. ओके, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी दिव्या, मैं नहीं इधर ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या आप एक बार अलाउ कर देंगे? Yeah, just I am doing that. Now, Seema, we have permitted you to talk. You can unmute yourself and say. ओके, हाय तपन। हाय हाय सीमा। एक्चुअली मेरे को जो क्वेश्चन है वो लास्ट लास्ट टू लास्ट जो आपने कीवर्ड्स वाला बताया था क्लास ना, उससे रिलेटेड है, जिसमें आपने बताया था कीवर्ड्स में जो एक तो कंपटीशन का बता रहे थे, एक कीवर्ड्स का बता रहे थे ना। बिल्कुल, तो जो कंपटीशन है वो हमें कैसे जज होगा कि क्या है? बिकॉज आपने जो बताया उसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लगा कि कॉम्पिटिशन हाई होना अच्छा है कि कॉम्पिटिशन लो होना अच्छा है। कॉम्पिटिशन लो, हमेशा लो कंपटीशन, जहां पर भी आपको लो मिलेगा हमेशा वही करना है। मान लेते हैं हमें, मैं आपको अभी आप उसी पे रहिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्लैक विडो या सुपरमैन लिखते हैं, सुपर अब, जैसे मैं आई एम वर्किंग इन अ हेल्थ केयर सेक्टर, ओके, तो अगर मैं कुछ कीवर्ड डालती हूँ जैसे बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डालती हूँ मैं, तो उसमें जो मेरे को सर्चेस मिलेंगे वो मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये मतलब कीवर्ड बिल्कुल ठीक है? अगर मैं कोई एडवर्टीजमेंट निकालती हूँ या फिर कोई एड अपना निकालती हूँ हॉस्पिटल का, तो वो मुझे कैसे पता लगेगा कि इस पे सर्चेस बहुत ज्यादा है और ये मतलब क्लाइंट्स देखते होंगे? ठीक है ठीक है, तो हम एक कीवर्ड आपके उधर से ले लेते हैं। फॉर एन इंस्टेंस हम ले लेते हैं डेंटल में ले लेते हैं, है ना? ठीक है, बेस्ट डेंटल क्रीम्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इसके अंदर कुछ भी करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि इसके ऊपर कीवर्ड के सबसे पहले जाएंगे आप गूगल कीवर्ड प्लान पे, इसको आप उधर पेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारे सिमिलर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपको और चाहिए तो ये सारे आपको जो भी ये सर्च कर रहा है वो ये भी सर्च कर रहा है, वो गूगल आपको ये बता रहा है, प्लस आपको क्या सर्च कर रहा है, आपको ये भी जो सर्चेज हैं ये भी लोग कर रहे हैं जब कोई भी इस तरह की सर्च करता है, तो ये सब आपको गूगल बता रहा है। ठीक है, अगर आपको आपको ये पता लग गया कि अच्छा ये सर्चेज हो रहे हैं और मेरे को कौन सी चीजें ढूंढनी है, मेरे को ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जो कंपटीशन में तो कम हो लेकिन जो मंथली एवरेज सर्चेज है उसमें ज्यादा हो,
ठीक है, कंपटीशन में कम होने का क्या मतलब है कि कंपटीशन में कम का क्या मीनिंग आता है यहाँ पे? मैं आपको बता, हमने सबसे पहले, हमें दो फैक्टर्स पे काम करना है। सबसे पहली बात है हमें ट्रैफिक ज्यादा चाहिए, कंपटीशन कम चाहिए। कंपटीशन इसलिए कम चाहिए क्योंकि जितना कम कंपटीशन होगा उतने ही जल्दी आपका रैंक करेगा, राइट? वो कैसे चेक करना है, वो कैसे चेक करना है, ठीक है? मान लेते हैं कि आपने बेस्ट डेंटल क्रीम के ऊपर हमने बात करी है, राइट? तो अगर मैं इन्हें कोट्स में डाल देता हूँ और इस पे एंटर मार देता हूँ, तो सिर्फ 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोकस, इस कोट्स का मतलब वो ये होता है गूगल के लिए, कोई भी चीज अगर मैं कोट्स में डाल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि इस एग्जैक्ट टर्म का किस किस वेबसाइट में, बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी मैंने लिखा है वो किस किस वेबसाइट के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है? तो हमें अब हमें ये समझ में आया कि सिर्फ 30 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर एग्जैक्ट ये वर्ड यूज करके फोकस कीवर्ड इसे यूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस पे कितना कम कंपटीशन है, आप समझे मेरी बात? ठीक है, तो हमें जितना कम कंपटीशन मिलेगा उतना, अगर इस पे 10 के सर्चेज हैं या 20 के सर्चेज है, 50 के, 1 मिलियन सर्चेज है, ठीक है, या फिर बहुत अच्छा ट्रैफिक है, तो ये एक अच्छा कीवर्ड्स हो सकता, कीवर्ड हो सकता है क्योंकि इस पे कंपटीशन बहुत कम है और इसके अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। आपको बेसिकली यही तो चाहिए ना, बहुत सारे लोग आए और आप ही के पास आए, या फिर आपको ये चाहिए अगर एक गली है, एक स्ट्रीट है, राइट, उसके ऊपर 10 दुकानें हैं और उसके ऊपर ट्रैफिक भी ज्यादा है, तो वो जो ट्रैफिक है वो डिवाइड हो जाएगा, वो सारे लोग डिवाइड हो जाएंगे उस 10 शॉप्स के अंदर। लेकिन अगर उसके ऊपर सिर्फ एक ही शॉप है या दो ही शॉप है या तीन ही शॉप है, तो उसके अंदर जो ट्रैफिक है सिर्फ फोकस होके उन 2-3-1 लोगों के पास ही जाएगा। तो बेसिक फंडा है, ठीक है, कि जो सर्च आ रहा है, जो सर्च दिख रहा है 30 सर्चेस हैं, दिस इज कंपटीशन और ये ट्रैफिक है, ये कंपटीशन है, ट्रैफिक आपको मिलेगा आपके गूगल कीवर्ड पेन से। ओके, ठीक, जो वो दिखाते हैं ना एवरेज मंथली सर्चेस, वो आपका ट्रैफिक है। मंथली सर्चेस मतलब इतने लोग मंथली एवरेज, एज अ एवरेज उसको इतने लोग सर्च कर रहे। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है, तो अब हम किस बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि ऑन पेज एसईओ किस तरीके से होती है। सबसे पहले मैंने कल जो दिया था वो नील पटेल का एग्जांपल दिया था, आज भी हम उसी पे चलते हैं, ठीक है? तो नील पटेल के अंदर, वो एक बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर हैं, तो उनपे सारी जो प्रैक्टिसेस हैं बेसिकली दिख जाती है उनकी साइट पे, मैंने इसलिए उनका कल यूज किया था, मैं आज भी इसीलिए उनका यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनके किसी एक ब्लॉग पे चलते हैं, तो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इस पे चलते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक परमा लिंक आपको आपके कीवर्ड फोकस होना चाहिए। ये किस कीवर्ड पे फोकस कर रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग पे, तो इनका परमालिंक बिल्कुल क्या है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, ठीक है? दूसरी चीज आपके हेडिंग्स के अंदर होना चाहिए, ये देखो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, आगे आप कुछ भी लिखो, आपको वो फोकस जो कीवर्ड आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो जरूर होना चाहिए। आपकी फर्स्ट लाइन या फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, ये देखो, ठीक है? आपके हर एक स्क्रॉल पे एटलीस्ट एक इमेज होनी चाहिए, सो दैट कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट भरा भरा ना लगे और बोर ना करे, ठीक है? तो ऑलमोस्ट इनके पास है, और बाकी सारे ब्लॉग्स में इन्होंने इधर इसमें कम इमेजेस डाली हुई, ठीक है, आपको डालनी है, ठीक है, इन्होंने डाली, इनको छोड़ दो, आपको डालनी है हर स्क्रॉल पे एक इमेज, जिस भी बारे में आप पैराग्राफ्स में बात कर रहे हो उस पर एक अच्छा सा ग्राफिक बनाओ, उस पर डाल दो, और इससे आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा बोर नहीं लगेगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पैराग्राफ्स डिवाइड करने हैं इस तरीके से, कि देखिए पूरे स्पेसेस दे रखी है उन्होंने, और इस तरीके से उन्होंने पैराग्राफ डिवाइड कर रखे हैं जैसे सेम कि बोर ना हो कोई भी। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे लिस्ट का यूज करना है, ये देखो लिस्ट्स का यूज करना है आपको, और आपको टेबल्स का यूज करना है आपको, और भी ग्राफिक का, मतलब कम से कम पढ़ने पे आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाए। आपको वीडियोस का यूज करना है, आपको इन्फोग्राफिक्स का यूज करना है, आपको स्लाइड्स का, पीपीटीज का यूज करना है, आपको ये सारे ग्राफिक्स का यूज करना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि ये चीजें नहीं करनी, ठीक है? बेसिक
ये है कि अच्छा कीवर्ड जो आपका होगा, मैंने बताया था आपको कीवर्ड कैसे निकालना है, तो वो 1.5% से 2% तक ही यूज करना है आपको। 1.5% 2% का मतलब ये है, हर 100 में सिर्फ 1 से 2 बार ही आप कीवर्ड डालोगे। अगर इससे ज्यादा बार डालते हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने बिन बात पे सिर्फ अगर उसका उधर रेलिवेंस नहीं है, ठीक है, गूगल का AI बहुत स्मार्ट है, ठीक है, अगर आप स्टफिंग करोगे, अगर उसे स्टफिंग कहते हैं कि आप उधर उस चीज का रेलिवेंस नहीं है, फिर भी आप सिर्फ अपनी साइट को रैंक कराने के लिए आप बहुत 5 से 6 बार उधर डाल रहे हो, तो उसे कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। ये मत करना, गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है आपके कुछ टाइम के लिए ऊपर आए, लेकिन वो बिल्कुल क्रैश कर जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए, गलत है। कीवर्ड स्टफिंग कभी नहीं करनी। कीवर्ड डेंसिटी है 1.5% to 2%, इतना यूज करना है हर 100 शब्दों के अंदर 1 से 2 बार, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बेसिक फंडा है ऑन पेज SEO के अंदर, ठीक है, इसी पे हमने उस दिन भी बात करी थी, ठीक है, इसी पे आप करना। बाकी आपको जो पॉइंट्स हैं, जो ये मेन पॉइंट्स थे, और बाकी जो आपको पॉइंट्स है वो आपको PPT जो है अर्बन स्किल के रिसोर्सेज के अंदर है, उधर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और उधर से आप बाकी सारे पॉइंट्स को उधर से देख सकते हो। प्लस मैं एक चेकलिस्ट आज अपलोड करा दूंगा, वो चेकलिस्ट आपको वो मिल जाएगी उधर ही, उसके जस्ट नीचे ही, और आप उधर से वो चेकलिस्ट का यूज करके आप मतलब और भी डीप में देख सकते हो कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी। प्लस जब आप कंटेंट बनाओ, जो भी चीज उधर चेकलिस्ट के अंदर है उसमें टिक करते हुए उसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये थी आज की उस दिन की क्लास और आज की क्लास। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो अब मैं ले लेता हूँ, और अगर नहीं है किसी का भी कोई क्वेश्चन तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे टेलीग्राम ग्रुप, ओके। दिव्या आपको दोबारा से एक लिंक भेज देगी, दिव्या, ओके, शायद दिव्या अवेलेबल नहीं है अभी। वी चेक ट्रैफिक फॉर फ्रॉम प्लानर एंड कंपटीशन फॉर SEO, एग्जैक्टली पंडव, यही करना है आपको। दिव्या परमानेंट कह रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं टेलीग्राम, कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है इस लिंक से। यू कैन प्लीज सर्च विद द नेम डोमेन सॉरी डिजिटल मार्केटिंग बैच 1, अगर नाम से आप ज्वाइन कर पा रहे हैं, बिकॉज़ आई थिंक द लिंक इज वर्किंग फॉर एवरीबॉडी। ओके, अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप यूजर नेम में लिखिएगा I am Tapan Singh, ठीक है, IAMTAPAN SINGH। अब मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली इनवाइट कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है। ये मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम पे, आप उधर मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली अर्बन स्किल के अंदर वो कर दूंगा। और किसी के कोई भी क्वेश्चन है? अच्छा, कोई रैंड हैंड रेस कर रहा था, ओके, गौरव नागपाल, मैंने आपको परमिशन दे दी है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास खत्म करते हैं। हेलो, हाय गौरव। हेलो तपन, तपन मैं एक ब्लॉग बना रहा था, तो मुझे ना उसके लिए जब मैं कीवर्ड प्लानर भी सर्च कर रहा था तो कुछ कीवर्ड तो ऐसे है जिनके ऊपर ट्रैफिक बहुत है पर उसके अंदर कंपटीशन बहुत है, और कुछ कीवर्ड ऐसे थे जिनके ऊपर भाई रैंक सिर्फ 1 या 2 जो साइट है वो ही रैंक कर रही है, और कंपटीशन में भी सिर्फ 1 साइट है पर उसमें सर्च वॉल्यूम बहुत कम है पर CPC बहुत ज्यादा है, तो मुझे CPC वाली तरफ जाना चाहिए या मुझे जिसमें नहीं CPC आपका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको मैंने कीवर्ड प्लानर बताया तो वो सिर्फ ट्रैफिक चेक के लिए बताया। सीपीसी कब यूज आता है? जब आप एड चलाते हो, उसका कंपटीशन भी आपको नहीं देखना, ये मैंने आपको बताया था कि अगर उसमें हाई कंपटीशन लिखा हुआ है तो भी आपको नहीं देखना, आपको अपना कंपटीशन खुद चेक करना है बाय कोट्स लगा के, उस सेम कीवर्ड को कोट्स लगा के आपको चेक करना। नहीं सर, मैं क्या जिसमें अपने मैंने एक कीवर्ड है, मान लो ब्लड एफिशिएंसी है, मैंने वो डाल के कीवर्ड प्लानर पे चेक किया, तो उसमें उसके साथ में जो वो और जो सजेशन में देता है जो कीवर्ड, तो उस कीवर्ड के अंदर कुछ कीवर्ड तो भाई ऐसे है जिनके अंदर बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, अच्छा, पर उसके अंदर जो मेन जो पहले से जो वेबसाइट है जो टॉप की साइट्स है उनके ऊपर ही मेन जो ट्रैफिक है, यानी कि जिनका डीए बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं जैसे
बना रहा हूँ तो अगर मैं करता हूँ तो मेरा शायद उनके ऊपर नहीं आता ट्रैफिक। सर मैं आपको बताता हूँ हम जो SEO करते हैं ना वो कभी भी इस उससे नहीं करते हैं, ठीक है। जो अभी टॉप पे साइट है वो काफी टाइम तक टॉप पे हो सकती है, रह सकती है। अगर आप ये सोचेंगे उनका हाई DAPA है और वो ही टॉप पे रहेंगी तो ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे काफी एग्जांपल दे दूंगा जिन्होंने सिर्फ एक दिन ब्लॉग बनाया था और वो अगले 24 to 48 आवर्स के अंदर रैंक कर रहे थे, जबकि ऐसी साइट्स थी कि जिसके अंदर मतलब बहुत DAPA हाई था तब भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी, ठीक है। मैं मानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है कि उन साइट से ऊपर रैंक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो अगर आप ये सब सोचेंगे तो नहीं वो कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बेसिकली SEO के अंदर अगर हम सोशल मीडिया वगैरह के अंदर तो अभी भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। अभी उसके अंदर हम बहुत बहुत लोग आ चुके हैं और बहुत बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपको ये फोकस होके नहीं करना। अगर आप उस कीवर्ड पे भी रैंक नहीं करते तो आपके पेज पे हजारों कीवर्ड्स यूज होंगे। अगर आप कोई 1000-1200 का भी अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो उसमें से आप किसी पे रैंक कर देंगे, तो आपको ये सब टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, आपको अगर कीवर्ड कोई यूज करना है तो आपको उसी कीवर्ड पर रहना है। अगर आप 10वें पेज पे आ रहे हैं या उस पे आ रहे हैं, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे उसके अंदर किस तरीके से इमेज ऑल्ट को किस तरीके से और ट्रैफिक लेकर आया जाए। अगर आपका जो बेसिक कीवर्ड आपका पूरी वेबसाइट डिजाइन अच्छा है और आप सारे उसके ऊपर भी आप गूगल टर्म्स पे भी आप बैठ रहे हो और आप पे इनफ ट्रैफिक आया जा रहा है तो गूगल आपको इतनी जल्दी ऊपर बढ़ाएगा ना अपनी रैंकिंग पे। आप सोचोगे भी नहीं, कल आप 50 पे थे और दूसरे दिन आप 25 पे हो गए। ये बहुत बहुत यूनिक नहीं है, बहुत मतलब ऐसा है कि हाँ दिखता है ऐसा, ठीक है। तो आप इन सब की टेंशन मत लीजिए। ये तो अब वो है कि आप मतलब उनसे डर रहे हैं और मतलब डर नहीं, डर तो गलत डर हाँ, मतलब मैं अपना ब्लॉग मोनेटाइज करूंगा तो मुझे तो जो वो जो मेन जो है जिसमें सर्च वॉल्यूम ज्यादा है उनके ऊपर तो CPC वगैरह कुछ इतनी है नहीं खास, जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम बहुत कम है या वो बहुत क्या कहते हैं सर्च बहुत कम है ना उनके ऊपर तो CPC है वो बहुत ज्यादा है। सर बिल्कुल सिंपल है, आपको ना मतलब जब भी हम स्टार्ट करते हैं हमें छोटे से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप अभी से उस चीज के बारे में सोच के चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, मतलब ये मत कीजिए। और मतलब आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के अंदर 100 लोग आएंगे, सिर्फ 200 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, सिर्फ 12 लोग आएंगे। मैंने एक पूरे महीने के लिए एक इंसान भी देखा, ऐसा होता है सर। ये बहुत बहुत सिंपल है कि ये सब होना, तो इन सब चीजों से मत वो कीजिए। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि कीवर्ड्स पे रैंक करना और ये करना ये वो प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम यही है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो उधर के कोई कुछ लोग होंगे जो पहले से अपना पूरा बना के बैठे हैं, तो वो तो हर जगह पे होता है। मतलब उससे मत डरिए, मतलब बस स्टार्ट कीजिए और देखिए कि आप किस तरीके से और कहीं से ट्रैफिक। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपको आपने एडसेंस लगाया, आप ये टेंशन ले रहे हैं कि आपका CPC जो है वो कम आएगा और आप पे ट्रैफिक नहीं आएगा और किसी कीवर्ड पे आप रैंक नहीं करेंगे, तो आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक उठा सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? हम इस पे भी बात करेंगे किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आपने एक वेबसाइट क्रिएट करी है, ठीक है, और आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक उठा रहे हैं, तो फिर जो आपके उस पे रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे आप उस पे खुद ही धीरे धीरे रैंक करने लगते हैं। उसके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं सर, बट वो उस तरीके से मत देखिए। मैं आपका एग्जैक्ट पॉइंट समझ गया, बट आप उस तरीके से मत देखिए। अभी उस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। हम मतलब अगर टॉप 3 में भी है ना तो फिर हम सोचेंगे किस तरीके से इन्हें बीट करना है, राइट। पहले आप हम गेम में तो आए, उसके बाद वो सब चीजें सोचते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आए कि मैं 3rd पे रैंक कर रहा हूँ मैं 1st पे क्यों नहीं कर पा रहा या मैं 10th पे रैंक कर रहा हूँ मैं 1st पे क्यों नहीं कर पा रहा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या चीजें चेंज करके आप ट्राई कर सकते हो। ये परफेक्ट है ना सर? थैंक सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ प्रणव, बोल्ड इटैलिक कोई भी जो आप खास बात कर रहे हो उन्हें बोल्ड में कर दीजिएगा, और जो बातें ऐसी हों जो बोली जा रही है उन्हें इटैलिक में कर दीजिएगा। ये सिंपल वर्ड फॉर्मूला मतलब सिंपल चीजें हैं ये। मतलब बोल्ड इटैलिक आप यूज कर सकते हो, सब बोल्ड और सब इटैलिक मत करना।
माय टॉपिक इज ऑफ कंपनी सर्विसेज इन क्रिएटिव लोगो पे आप लोगो डिजाइन कर सकते हो कैनवा के ऊपर इट्स कंपनी इज यूएसए बेस्ड देन हाउ आई फाइंड द कंपटीटर वीपीएन यूज कर सकते हो आप प्रॉक्सीज यूज कर सकते हो आप उधर का मतलब यूएसए के रिजल्ट चेक करने के लिए बाकी आप यूएसए मतलब ये दोनों चीजें चेक करके आप उधर के कंपटीशन चेक कर लो और उधर लिस्ट और उधर के कीवर्ड्स निकाल लो और उसके बाद उधर रैंक कराने की कोशिश करो सर प्लीज रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कीजिए सेशन का यार रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि हम लाइव करना चाहते हैं और मतलब ये मेन है ना यार ये चाहते हैं ठीक है मैं भी चाहता हूँ कि लोग मेरे से आके बात करें ठीक है अगर रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो आप सब उधर चले जाओगे फिर मेरे से बात करने कौन आएगा राइट तो बस यही चीज है हाँ सॉरी आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो मेरे को आपको एनर्जी थोड़ी सी लो मिल रही होगी और थोड़ा सा वैसा था बट नेक्स्ट क्लास से मैं सेम एनर्जी के अंदर रहूंगा और मतलब फिर वही करेंगे थैंक यू सो मच प्रणव और किसी को कोई भी बात करनी हो तो मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो आप अपना हैंड रेस कर सकते हो और हम करते हैं और हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसके बारे में मैं आपको इंस्टाग्राम और उस पर कर दूंगा मैंने पहले सोच रखा था क्या करूंगा लेकिन थोड़ा सा चेंज करने की मैं सोच रहा हूँ वो अभी मैं उसी पे काम कर रहा था मैं आपको अब ये सेशन खत्म होते ही एक घंटे के अंदर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम और सब पे आपको दिख जाएंगे पोस्ट इसके ठीक है इज ग्रेट फॉर डिफरेंट लोकेशन हाँ लोकेशन चेंजर हाँ ये भी यूज कर सकते हो वही वीपीएन प्रॉक्सीज भी यही काम करती हैं लोकेशन चेंजर भी ये कर सकते हो हाँ विवेक ने बहुत अच्छा पॉइंट किया हाँ ठीक है बट अनेबल टू सर आई एम अनेबल टू जॉइन द टेलीग्राम मेनी टाइम्स बट एबल टू जॉइन ओके विवेक कह रहे हैं कि एक ऐसा एक्सटेंशन है गूगल का जिसके अंदर आप लोकेशन चेंज कर सकते हो लोकेशन जीएस लोकेशन चेंजर करके तो आप उससे भी चेक कर सकते हो ये भी आप यूज कर सकते हो ठीक है प्रॉक्सीज वीपीएन और ये भी ठीक है आप जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो परमानंद आप मेरे को मैंने अभी आपको बताया ये मेरा टेलीग्राम का है आई एम तपन सिंह ये मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर दो डायरेक्टली मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा ठीक है नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छी होने वाली है नेक्स्ट क्लास के अंदर आना मैंने बहुत चीजें सेट तैयार करी हुई है आप सब लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास अच्छी होगी आज थोड़ी सी एनर्जी कम है मेरे को भी फील हो रही है ठीक है तो रिक्वेस्ट यू टू जॉइन द रिवीजन ऑन फीवर सेशन एज वेल एज आई नॉट अवेलेबल ऑन दैट सेशन दीपा आप कोशिश किया करो सारे सेशन लिया करो मैंने थोड़ा सा कीवर्ड सेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा बता दूंगा तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करना कि फॉर द कीवर्ड सेशन एंड द फर्स्ट टू सेशन बट मेक श्योर दैट दिस टाइम यू पीपल जॉइन बिकॉज़ दैट वुड बी द लास्ट वीकेंड शेड्यूल फॉर द बैच हां तो मतलब कीवर्ड सेशन थोड़ा सा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को कीवर्ड बताने में वो पूरी एक क्लास है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़े से जल्दी कैसे बता पाऊं नेक्स्ट या नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा तो आप कोशिश करना कि इस टाइम आप कोई क्लास आप मिस ना करो यू हैव टू मेक मोर ट्रैफिक बाय यूजिंग ओनली यूनिक डिजाइन टू मेक मोर ट्रैफिक बाय यूजिंग ओनली मैं क्वेश्चन नहीं समझा फैज खान आप क्या बोलना चाह रहे हो मैं समझा नहीं फैज इज सेइंग कि क्या हम मोर ज्यादा ट्रैफिक सिर्फ नील पटेल साइट यूज करके ला सकते हैं नील पटेल साइट एक एग्जांपल है क्योंकि वो एक बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर है और मेरे को एकदम से उन्हीं का नाम ध्यान आया तो मैंने टाइप कर दिया ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो आप उनकी साइट भी चेक कर सकते हो हाँ मतलब नील पटेल का अच्छा कंटेंट होता है और वो अच्छे से बताते हैं तो मैं उनका काफी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ तो मेरे को एकदम से नील पटेल याद आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब नील पटेल ही है ऐसे बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटर हैं आप उनकी साइट पे भी जाके चेक करना कि ये सब चीजें अच्छा ये तो बहुत मजेदार चीज है अगर आप सब लोग देखना चाहते हो कि ये जो आपको बताया जा रहा है कि कैसा मतलब क्या है तो ये सब चीजें आप और किसी की वेबसाइट पे जाके चेक करना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा और क्यों नहीं हो रहा ठीक है और मेरे को पास लेकर आना वेबसाइट हम उस पर बैठ के एनालिसिस करेंगे मजा आएगा ठीक है अच्छा टैग मैच कीवर्ड डोमेन नेम हेल्पफुल हाँ थोड़े से महंगे आते हैं गौरव बट अगर इनका क्वेश्चन ये है कि अगर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड अगर हम बाय कर ले डोमेन बाय कर ले तो क्या वो एसईओ के अंदर हेल्पफुल होता है वो बिकॉज हाँ बिल्कुल हेल्पफुल होता है इतना ज्यादा मतलब
ऐसे बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि अगर वो नहीं मिला तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि वो हेल्पफुल होता है, और अगर आप वो ले लेते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके डोमेन में ही वो आ जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन इतना टेंशन मत देना अगर आप दूसरा भी कोई ले लेते हो तो, इट्स ओके। ओके टॉपिक फॉर नेक्स्ट क्लास मैंने सोच रखा था, बट मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो आपको अभी मिल जाएगा, आपको सब फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो कर लीजिए अर्बन स्किल को, आपको किसी भी एक जगह पे मतलब कर लीजिए जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी आप अर्बन स्किल 360 यूज कर सकते हैं, और अर्बन स्किल ऑफिशियल, आपको बाकी सारे लिंक्स हम टेलीग्राम वगैरह पे दे देंगे, बल्कि टेलीग्राम पे आ जाइए, मैं उधर ही आपको बता दूंगा। माइट सिंह ऊबर सजेस्ट फॉर, हाँ हाँ, तो ऊबर सजेस्ट जो था वो उनका नहीं था, नील पटेल का नहीं, ऊबर सजेस्ट उनका था, क्रेजी एक शायद उन्होंने खरीदा, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है। नहीं, मैं यूज नहीं करता ऊबर सजेस्ट, बट हाँ एक अच्छा टूल हो सकता है, वो भी आप चेक कर लीजिए, मेरे को गूगल पे ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैं भी आपको बताता हूँ, थोड़ी सी ज्यादा उसमें मेहनत लगती है। अगर मैं कोई टूल यूज करता हूँ तो अभी मैं बेसिकली कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम से कोई टूल यूज नहीं किया, मैं पहली बात तो SEO के अंदर, और keyword.io यूज कर लेता हूँ, एक keywords everywhere है, वो बहुत अच्छा टूल है, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, क्रोम एक्सटेंशन है वो, keywords everywhere वो मेरे को बता देता है, और मैं कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट जो आप देख रहे हो SEM रश वगैरह जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ। तो इंस्टा पर कीवर्ड्स का क्या रोल होएगा रहेगा? अच्छा, देखो सोशल मीडिया थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है। ज्योति जी का क्वेश्चन है, एवरी टाइम इंटरव्यूज लेने होते हैं, इंस्टा पर कीवर्ड्स का क्या रोल रहेगा? तो कीवर्ड्स अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया ना कीवर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है, कि अपने हेडिंग्स और टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स डालोगे तो आप मिल सकते हो, और सोशल, अगर आपने नेक्स्ट अपडेट देखे हो तो इंस्टाग्राम पे शायद, अगर वो बीटा वर्जन पे काम कर रहा है, कि अगर आप सर्च करोगे तो आपको जैसे आप हैशटैग को फॉलो कर सकते हो, आप कीवर्ड्स को भी सर्च कर पाओगे, ये चल रहा है, लेकिन बेसिकली जो ये सब चीजें होती हैं और भी फैक्टर्स पे मैटर करती हैं, जैसे कि लोकेशन, क्योंकि सोशल मीडिया लोकेशन का बहुत वो है, इमेजेस पे मैटर करती हैं, हैशटैग्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ बट करती है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, और भी चीज़ें हैं कि किस तरीके से लोगों से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सेव करते हैं, जितना ज़्यादा सेव करेंगे तो ज़्यादा आपकी रीच होगी, कमेंट करेंगे तो ज़्यादा रीच होगी, लाइक करेंगे तो इतनी रीच नहीं होगी बट थोड़ी होगी, इस तरीके से है। तो अभी आप हैशटैग पे इतना फोकस मत करो, वो कीवर्ड्स पे, अच्छा कीवर्ड्स वो ही रखो अपने इंस्टाग्राम के अंदर, जो आप बात कर रहे हो उसी पे आप टाइटल बनाओ, और उसी पे आप डिस्क्रिप्शन लिखो, और ट्रांसक्रिप्ट भी कर पाओ तो थोड़े थोड़े से डायलॉग्स उसके अंदर यूज कर लो तो अच्छा मेरा है, ठीक है, आप इस पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको अर्बन स्किल में इनवाइट कर दूंगा, ठीक है। सॉरी अगर किसी को भी मेरी आज एनर्जी लो लग रही हो, और मतलब पूरा वैसे उस तरीके से नहीं रहा जैसे मैं सेशन लेना चाहता, थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं मतलब दोबारा से हम करेंगे उसी तरह स्पीड से, और नेक्स्ट सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है, सीरियसली बहुत बढ़िया होने वाला है, तो उसके अंदर हम काम करेंगे। गूगलर्स को कैसे अप्रूव करते हैं, एनी क्राइटेरिया टू फॉलो फॉर गूगल ब्लॉग्स को कैसे अप्रूव करते हैं, किसके लिए अप्रूव, मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव, या किस चीज के लिए अप्रूव, मैं समझा नहीं, आप पूरा बताइए। इट्स ओके सर, थैंक यू फैस, थैंक यू सीमा जी, मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं समझाऊं कि किस चीज में अप्रूव, बेसिकली इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो मेरे को एक बार आप वो बता दीजिए। ठीक है, मैंने आपको परमिशन दे दिया, थैंक यू। तपन, मेरा क्वेश्चन था कि इन केस अगर मैं जैसे कोई ब्लॉग हम लिखते हैं और उसको हम पोस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि गूगल उसको अप्रूव करेगा विद इन 24 आवर्स, या कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ब्लॉग कुछ परसेंटेज आता है कि इतना परसेंटेज आपका ब्लॉग ठीक है,
तभी वो पोस्ट हो सकता है, ऐसा कुछ होता है आई थिंक। देखो देखो जो मैट्रिक्स चीजें दे रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, मैट्रिक्स मिलते हैं स्पीड के, ठीक है, ये सब चीजों के, और जो बाकी जो साइट्स हैं वो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के मैट्रिक्स दे रहे हैं ना, वो आपने वो वर्डप्रेस के वो भी सुने होंगे कि आपने ये चीजें यूज करी है तो आपका 100% हो गया, उनपे कभी मत जाइएगा, क्योंकि कभी कभार आपको एक इमेज यूज करनी होती है लेकिन उनके क्राइटेरिया के हिसाब से होता है कि आपको इस स्पेसिफिक इमेज को यूज करना चाहिए, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं होती तो उसके हिसाब से पूरा डिजिटल मतलब पूरा जो भी आपने सीखा है वो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आपको उसके ऊपर नहीं जाना है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको यूजर इंटरफेस अच्छा बनाना है कि जो भी इंसान देख रहा हो उसको अच्छा लगे, वो उधर रेलिवेंट हो, और उसके बाद ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी। मैं आपको शुरू से ये सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। और जो आप अभी भी मैं नहीं समझा, एक्सेप्ट कहाँ होना चाहिए, वो गूगल ब्लॉग आपने वो क्या कहा? अब जैसे मैं डॉक्टर एक ब्लॉग बना रहा है किसी टॉपिक पे, ओके, अब मेरे को वो अपने वेबसाइट पे ही मान लीजिए मेरे को उसको अप्रूव कराना है या मेरे को चलाना है उसको, तो लाइक वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम डिजिटल कंपनी ना, तो वो जब हम उनको देते हैं तो वो ये हमें ये बताते हैं कि गूगल की तरफ से आपका वो अप्रूव नहीं हुआ बिकॉज उसमें कुछ परसेंटेज है या कुछ परसेंटेज हुआ है, तो आप इसको ठीक करके दो दोबारा से, वो क्या होता है? वो प्लैगरिज्म होता है बेसिकली, कहीं का आपका कॉपी केस होगा कंटेंट में इसकी वजह से। लेकिन वो भी गूगल नहीं करता, सॉरी okay. वो गूगल का कोई वो, अगर आप डाल भी दोगे ना तो वो रैंक okay. नहीं करेगा, ये आपको गाइडलाइन स्ट्रेक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने गूगल पे डालो तो आपने कि वो करेगा, गूगल कुछ नहीं चेक करता, मतलब गूगल पे आप डाल देते हो फिर वो कौन चेक करता, मतलब वो कैसे पता लगेगा कि हाँ डुप्लीकेट है? अगर आप पहले प्लैगरिज्म की बात कर रहे हो तो स्मॉल एसईओ टूल करके एक सर्विस है जिधर आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो गूगल की नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूं, एक सेकंड आप मेरे को, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी। तो ये एक स्मॉल एसईओ टूल, ठीक है ठीक है, अगर आपने कहीं से कुछ कॉपी किया है तो आप इसके ऊपर ये प्लैगरिज्म चेकर पे जा सकते हो, और इसके ऊपर जैसे ही आप उस पर पेस्ट करोगे तो ये आपको बता देगा कितना आपने कॉपी किया कितना आपने कॉपी नहीं किया, बट ये गूगल का नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कि गूगल कुछ ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं करता, वो सारे एक्शन क्रॉल करने के बाद लेता है कि आपका रैंक करना है नहीं करना है, या आपको कोई गाइडलाइन स्ट्राइक देनी है कुछ भी देना है, आपको मोनेटाइजेशन बंद करना है या आपका जो भी है वो बाद में करता है, वो उसके लिए आपको अलग से देता है, लेकिन कुछ गूगल अप्रूव करता है, मैं या तो आप मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं या मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सॉरी आई डोंट नो, बिकॉज मुझे इतना ही पता है कि हाँ अभी कुछ अप्रूवल होता है, अब वो मतलब इस पे जाके हम एज सच कोई भी ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे तो डाल सकते हैं ना, उसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत तो नहीं होती है। आप गूगल ब्लॉगर की बात कर रहे हो तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है, बट okay. अगर आप स्पेसिफिक गूगल पे अपना होस्ट और डोमेन लेकर वर्क कर रहे हो तो नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। okay, नहीं, डोमेन हमारा अपना नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ मे बी तब रीजन होगा, बिकॉज जिसको भी हम देते हैं, बिकॉज डॉक्टर्स अगर कोई लिख रहे हैं ब्लॉग तो थोड़ा बहुत तो मिक्सअप होता ही है ना, तो उसमें कुछ परसेंटेज जैसे बताया जाता है कि हाँ इतना परसेंट आपका ठीक है, बाकी इतना होना चाहिए तब जाके हम डाल सकते हैं उसमें। मैं समझ गया आपका, फिर दिव्या बिल्कुल सही समझी है, सॉरी मैं समझ नहीं पाया, दिव्या का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, दिव्या जो बता रही थी, आप इस पे आ सकते हैं, स्मॉल एसईओ टूल है, आप इस पे के अंदर क्लिक करके अपना सारा इधर पेस्ट करेंगे और नीचे जाके चेक एल्गोरिथम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना आपने कॉपी किया कितना आपने कॉपी नहीं किया, तो आप उन एग्जैक्ट लाइंस को चेंज कर सकते हैं और उसे पूरा ओरिजिनल बना। आई थिंक मैंने ये आंसर कर दिया होगा, राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी दिव्या आपको काटने के लिए, बट मैं समझ नहीं पा रहा था। बेसिकली बेसिकली आप जब भी कंटेंट बनाते हो ना तो मेक श्योर कि आप कहीं से भी अगर उठा रहे हो तो उसे अपनी लैंग्वेज में लिख लो, वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, बिकॉज एज इट इज अगर आप एक लाइन भी छोड़ते हो तो दैट विल समहाउ डिटेक्ट द प्लैगरिज्म, और इन टूल्स से भी आप चेक करोगे तो जो बेसिकली जितने भी फ्री टूल्स हैं वो 100% रिलायबिलिटी नहीं होती है इनकी, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू समराइज द थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। आपने मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको भेज दूंगा, मतलब ये क्लास खत्म होने के बाद।
हाउ टू रैंक अ न्यू वेबसाइट, सेम चीजें हैं, यही आपको करना है, धीरे धीरे वो रैंक कर जाएगी। सोशल मीडिया पर कैसे ट्रैफिक लेकर आना है, हम उस पर भी बात करेंगे, तब आपको पता लग जाएगा उसके। हम उसी पे बात कर रहे हैं यार, हम उसी पे बात कर रहे हैं। So guys, do we have any more questions, or we shall come to the end of the session for the day? I think there are no more questions, Tapan. So we can bring this session to an end. Thank you. And guys, next session would be on 25th of Feb, that is Thursday, 8 p.m. again. Until then, be prepared and make sure that you attend the classes, because there are no recordings available for this. And most probably this week or this weekend or next weekend, we'll be scheduling the revision class for the previous two sessions that have been missed by many of you. But ensure that this time you join the class.